हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे। प्रोबेबल इसलिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन पे फोकस जितना करोगे उतनी क्लियर मैसेजेस आपको मिलेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? ओके, जो पहला कार्ड ही निकल के आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बॉटम डेक में जैसे कि आप देख रहे हो, सिक्स ऑफ वॉन्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देखिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखी जाए तो काफ़ी प्यार एक्सप्रेस करने की इच्छा, आपके तरफ बढ़ने की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि या तो आप दोनों का हाल फिलहाल में रीयूनियन हो चुका है, ऑलरेडी आप दोनों कनेक्शन में आ चुके हो एंड इस पर्सन को और आपको दोनों को ही ये फील हो रहा है कि ये कनेक्शन अब कहीं जा सकता है, इस कनेक्शन में अब कुछ बेटर हो सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए। अगर नहीं आए हैं आपके पास तो आना चाहते हैं। ओके, वो इस कनेक्शन में सक्सेस देख पा रहे हैं, हैप्पीनेस देख पा रहे हैं, विक्ट्री देख पा रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कहीं ना कहीं कि आप भी उनसे प्यार करते हो। यू ऑल्सो लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन नोज दैट। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन और बॉटम डेक में है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स दिख रहे हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त देर ऑक्यूपाइड, या तो वो अपने करियर में बिजी है या तो वो अपने स्टेबिलिटी पे, हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में एंड दे वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट। तो हो सकता है इनको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मैं क्या करूँ, शुड आई गो बैक, शुड आई स्टॉप, शुड आई नॉट, क्या मुझे अपने पे ध्यान देना चाहिए या मुझे उस पर्सन। देखिए, उनके लिए आप भी अबंडेंस हो और वो जो लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो भी उनके लिए ज़रूरी है। सो वो थोड़ा कन्फ्यूज्ड है कि मैं यहाँ जाऊँ या मैं वहाँ जाऊँ, मैं इसे चूज़ करूँ या मैं उसे चूज़ करूँ। तो एक कन्फ्यूजन दिख रहा है, लेकिन आपकी वैल्यू बहुत हाई है इस पर्सन के लाइक नज़रों से अगर देखा जाए तो। व्हाट मोर डू वी हैव, या आपको अपने अबंडेंस मानते हैं या आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ओके, अचीवमेंट मानते हैं आपको। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज है और बॉटम डेक में टेन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एक इमोशंस का भंडार कह लो, बहुत सारे फीलिंग्स एक साथ फील होना, बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी अपनी फीलिंग्स में फील कर पा रहे हैं ये पर्सन। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उन्हें क्या फील करना है, दे डोंट नो, ठीक है। एक जैसे होता ना कि हम एक एक दिन ढकेलते जाते हैं, उसी तरह से इस पर्सन को फील हो रहा है आपके बिना। उन्हें ना तो समझ में आ रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, उन्हें ना समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या फील करना है, क्या फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दे आर लाइक पुशिंग वन डे एट अ, यू नो, एक एक दिन को आगे बस ढकेल रहे हैं। बहुत एक इमोशनल बर्डन भी फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। हाँ, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन देर इज़ समवन वेटिंग यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, वेट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे यू नो, हम देखते हैं ना कि एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि यार रिश्ता था, ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो एक इमोशंस में खोए हुए, डूबे हुए मुझे यहाँ पे कोई ना कोई नज़र आ रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की हो सकती है। अब आगे क्या, यू नो, हाँ ठीक है, प्यार है, फीलिंग्स है, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट,
इस तरह का सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल हुए दिख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, एंड इस पर्सन का पूरा ध्यान है आप पे, भले ही आपको शो ना कर रहे हो लेकिन दे हैव देयर आइज ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट जो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज, एंड बॉटम डेक में थ्री ऑफ कप्स है। देखिए ये पर्सन और आप मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट्स है, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है। एक फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रही है, एक यिन यांग एनर्जी मुझे बैलेंस में आते हुए दिख रही है। देखिए आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है, ये अपनी फीलिंग्स, ये आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, ये आपके साथ फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक रिलेशनशिप में तो आना चाहते थे, बट इट्स लाइक दे डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस। इनका प्रॉब्लम ही है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दे कांट एक्सप्रेस। ओके, देख रहे हो क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स टुगेदर, व्हाट मोर डू वी हैव, कप्स के कार्ड ज़्यादा है अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और अक्वेरियस, बॉटम डेक में द लवर्स है। देखिए ये जो रिश्ता है और इसमें जो कुछ हो रहा है, इट्स ओवरवेलमिंग, उनके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। अगर ये आपसे दूर है तो उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, वो सो नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ बातें बार बार उन्हें चुभ रही है, आपकी मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, यू नो, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल समय बिताया है, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर बहुत ही स्ट्रांग है, और वही चीज़ उन्हें अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जब जब इस पर्सन को आपकी याद आती है, स्पेशली एट द नाइट टाइम व्हेन दे ट्राई टू स्लीप, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून कार्ड एक साथ आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस, और बॉटम डेक में है टेम्परेंस। देखिए अगर इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है, अगर ये दूर गए हैं आपसे, स्टिल दिस पर्सन मिसेज यू, उनके लिए बहुत हैवी रहा है आपसे दूर जाना, आपको छोड़ देना, आपके मेमोरीज़ ने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा, एंड दे वॉन्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू। सैगिटेरियस है यहाँ पे, ओके, वो आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मुझे लगता है यू बोथ, जिस तरह से आप दोनों के बीच चीज़ें ख़त्म हुई है, वो इस पर्सन को बहुत हर्ट करता है, दे कांट गेट ओवर इट। कुछ तो बहुत ही डिवास्टेटिंग हुआ था, कुछ बहुत कड़वी बातें बोली गई है, कुछ बहुत ही मतलब एंडिंग ख़राब हुई है आप दोनों की। जिस तरह से ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, इट वॉज़ वेरी बैड, ओके, एक्सपीरियंस वो ख़राब था इस पर्सन का। व्हाट मोर डू वी हैव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यस पॉसिबल, हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, एंड फैमिली इशूज़ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, मे बी उन पे किसी का, यू नो, किसी का कंट्रोल है, फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों की शादी के लिए। ऐसा भी हो सकता है अगर आप शादीशुदा पर्सन से नहीं डील कर रहे हो तो। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को अपने फैमिली मैटर्स से या जो लोग परेशानी क्रिएट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उनसे डील करने के लिए छोड़ दिया है, एंड आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, क्योंकि आप गलत नहीं हो। यू वांट दिस पर्सन टू टेक स्टैंड फॉर यू, क्योंकि आप अपने सेल्फ वर्थ को जान चुके हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड फाइव ऑफ कप्स है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत इन एंड आउट किया, बहुत टाइम पास किया आपके साथ, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, एंड नाउ दिस पर्सन फील्स एम्प्टी, अलोन, विदाउट यू। ठीक है, इस पर्सन को तब मज़ा आ रहा था करने में टाइम पास, कभी आपके लाइफ में चले गए, कभी लाइफ में चले आए, कभी बात कर ली, कभी बात नहीं की, एंड नाउ दिस इज़ हर्टिंग दिस पर्सन, दे हैव लेफ्ट अलोन, दे हैव बीन लेफ्ट अलोन। और मुझे लगता है ये पर्सन के हाल जो हुआ है ना, ये उनके वजह से ही हुआ है। दे फील वेरी लेफ्ट आउट, दे फील वेरी अलोन, वो आना चाहते हैं आपके तरफ, बढ़ना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि जो भी आप दोनों में हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर आप दोनों दूर हो, बात नहीं हो रही है, या सेपरेशन हुआ है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के बीच मुझे लगता है कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंस है। इस पर्सन ने अपने फैमिली को चुना या अपने करियर को चुना, या मे बी कुछ बैकग्राउंड का डिफरेंस था आप दोनों के बीच में, एंड दे डिसाइडेड टू गो विद देयर फैमिली। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब उनको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें या अपना फ़ायदा देखा इस पर्सन ने। ओके,
नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे 10 of Wands, 6 of Cups, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन आना तो चाहते हैं और कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्सन सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। ओके, कुछ मेमोरीज बार बार आती है इस पर्सन को। देखिए, अगर ये पर्सन ने आपको बोला ना कि मैं मूव ऑन होने वाला हूँ या मैं नहीं आऊँगा, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी टाइम ऑफ द डे दिस पर्सन कीप्स ऑन मिसिंग यू, अभी भी ये पर्सन मिस कर रहा है आपको और आपकी यादें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस पर्सन को। ठीक है, कुछ तो प्रेशर है लेकिन इस पर्सन पे। 2 of Swords एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स है। यस, हो सकता है इनको कोई इन्फ्लुएंस करता हो, इनके फैमिली, इनके पेरेंट्स, इनका कोई दोस्त हो सकता है, समवन हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग देम, मेकिंग देम मोर कन्फ्यूज। मुझे लगता है ये पर्सन ने चुना है आपको गुस्सा दिखाना, बजाय कि आपको प्यार दिखाए, इस पर्सन ने चुना आपको गुस्सा दिखाना, रुथलेसली बिहेव करना आपके साथ। ये चाहे तो आपको प्यार शो कर सकते हैं, बट इनका कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया है कि क्या बिहेव करे आपसे, कि इस पर्सन ने सही समझा कि वो आपसे गुस्से से ही बिहेव करे, कि आपको ऐसे दिखाए कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इट्स ईजी फॉर देम, उनके लिए जाना ज़्यादा, यू नो, आपको छोड़ जाना या आपसे बात बंद कर देना ज़्यादा आसान है। 8 of Cups है विद द लवर्स, दे आर गोइंग टू कम बैक। अगर इस पर्सन ने छोड़ा था आपको, इस पर्सन ने प्यार होते हुए भी अगर दूरी बनाई थी, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, क्योंकि उनके लिए एक एक कदम जो वो उठा रहे हैं ना आपसे दूर, वो बहुत बाहरी पड़ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। मुझे लगता है ये पर्सन इज चूजिंग टू वॉक अवे, मतलब जैसे ये ना अपने खुशियों से भाग रहे हैं, अपने प्यार से दूर जाना चाहते हैं। 3 of Swords है यहाँ पे एंड 10 of Pentacles। कुछ लोगों का मुझे लगता है, इन्हें लगता है आप दोनों की शादी नहीं हो सकती है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या वो ऑलरेडी मैरिड है, और उन्हें, या फिर कुछ बैकग्राउंड फैमिली का कुछ डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, कुछ मैंने बोला ना जैसे पैसों के मामले में कुछ ऊंच नीच हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इन्हें लगता है नहीं हो पाएगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे या समथिंग लाइक दैट, एंड दैट हर्ट्स देम, इसलिए भी आपके पास नहीं आते हैं। चलिए, आने वाला फ्यूचर प्रोबेबली क्या हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 of Swords, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी गिव अप मत करो, आप अपना स्टैंड मत छोड़ो, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपको छोड़ा, आपसे झूठ बोला, कुछ लाइज, डिसेप्शन, चीटिंग अगर करी है, तो आप बिल्कुल भी डोंट गिव अप, क्योंकि लेट दिस पर्सन रियलाइज, उन्हें अब काम करने दो, उन्हें एफर्ट्स डालने दो इस कनेक्शन पे, एंड दे विल डू दैट। ठीक है, वो करेंगे, क्योंकि पैशन है, प्यार है। 5 of Wands है एंड लवर्स है। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के बीच में बाहर के लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है, या देयर इज समथिंग जो रोकता है इस कनेक्शन को, एंड आने वाले टाइम में ये चीज़ सरफेस पे आ सकती है। ओके, ज़्यादा ये चीज़ मुझे प्यार ही जीतते हुए दिख रहा है, भले ये प्रॉब्लम्स आए आपके रिलेशनशिप में, मतलब है वो प्रॉब्लम, बट वो सरफेस कर सकती है, मतलब आप दोनों के सामने आ सकती है वो प्रॉब्लम। ठीक है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कुछ लोगों का आप दोनों के बीच में, बट द लव विल विन, प्यार नहीं टूटेगा। ओके, हायरोफेंट है, 10 of Pentacles। कुछ लोगों का तो यहाँ पे मुझे शादी भी फिक्स होते हुए दिख रही है। वाओ, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। अभी चल रहा है कौन सा, जून मंथ, राइट? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कुछ लोगों को अक्टूबर मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है, लाइक 5 months फ्रॉम नाउ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। काफ़ी लोगों के लिए शादी फिक्स हो सकती है, स्पेशली अगर फैमिलीज को पता है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो शादी फिक्स भी हो सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है फैमिली। एंड द लास्ट वन वी हैव इज द वर्ल्ड, एंड बॉटम डेक में हैंग्ड मैन है, पाइसीज। आई सी देम रिकनेक्टिंग टू यू, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी किसी को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग सकता है कनेक्ट होने में, क्योंकि आपके पर्सन बहुत अटका हुआ सा फील कर रहे हैं, उनको अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ताकि वो आपसे रिकनेक्ट कर सके। ओके, लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। चलिए, व्हाट डज योर पर्सन हैज टू, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपको, डिवाइन प्लीज गाइड करें, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं।
सॉरी, कुछ कार्ड्स गिर गए थे। फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए है, आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन भूल गए हैं आपको, तो बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ये पर्सन भूल गए हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो उन्हें लगता है कि काश आप दोनों एक साथ होते। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, मैंने बोला ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। तो आप एक ऐसी चीज़ उनकी ज़िंदगी में आए हुई है जो बेस्ट है, ठीक है, मतलब इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। तो इन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया आपके साथ जो इनको लगता है इन्होंने गलत किया। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। तो आपको देख कर अभी भी आपसे प्यार में पड़ते हैं ये पर्सन। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, तो ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। लास्ट इज़ आई हैव क्राइड ओवर यू, तो ये आपके लिए रोए है। और थोड़े से देखते हैं मैसेजेस। चलिए लेट्स सी आपके लिए कुछ मैसेजेस, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। डोंट बी सो इनसिक्योर, तो नहीं चाहते वो कि आप इनसिक्योरिटीज़ रखें अपने मन में किसी भी तरह की। यू आर परफेक्ट फॉर मी सी, वो नहीं चाहते कि आप अपने मन में कोई इनसिक्योरिटी रहे क्योंकि आप उनके लिए परफेक्ट हो। अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी थी अपने लुक्स को लेकर या अपने आई डोंट नो व्हाट चीज़ को लेकर, आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, तो ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ये ऐसे पर्सन हैं जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड योर आर कनेक्शन, तो ये अभी आप दोनों के जो कनेक्शन है उसको समझने लगे हैं। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये आपकी बात करते हैं किसी से। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती आपके सिवा। एंड आई चूज़ टू बी विथ यू, तो ये चूज़ करते हैं आपको, आपके साथ रहना चूज़ करते हैं। ओके, थोड़ा सा ओरेकल एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आपके लिए क्या मैसेज या क्या एडवाइस है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, आई मीन लुक एट दिस, कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ है आपने, या तो आपको लगता है आप इस पर्सन के काबिल नहीं हो किसी तरह से, या तो आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, डर है इनको खोने का डर, या इनको इनसे हमेशा के लिए रिश्ता टूटने का डर, तो उस पर काम करने को कहा जा रहा है आपको। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, लीव द पास्ट बिहाइंड, तो पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको पीछे छोड़ो एंड क्लियर योर माइंड, तो अपने माइंड को क्लियर करो ताकि नई चीज़ों के लिए जगह मिले आपके दिमाग में, ठीक है। सो या दैट वॉज इट, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।